नमस्ते, मैं अविचल दुबे और मेरे हाथ में इस वक्त एक पोस्टर है, एक नहीं दो पोस्टर हैं। ये दो पोस्टर फतेहाबाद में लगाए गए हैं, फतेहाबाद हरियाणा में लगाए गए हैं रिलायंस की तरफ से। फतेहाबाद के अलावा हरियाणा में कई और जगह और इसके साथ साथ पंजाब में कई और जगह इस तरह के पोस्टर्स खासकर मोबाइल शॉप्स पर लगाए गए हैं। रिलायंस ने इसलिए लगाए हैं क्योंकि जियो को इन दो राज्यों में बहुत नुकसान हो रहा है। वो सफाई दे रहा है लगातार, पहले पत्र लिख रहा है फिर सफाई दे रहा है और अब इस तरह के पोस्टर छपवाकर अलग अलग जगह पर लगाए जा रहे हैं। इन पोस्टर्स में क्या लिखा है, सबसे पहले मैं आपको ये सुनाता हूँ। पहले पोस्टर में लिखा है रिलायंस का पक्ष तथ्य। तथ्य जो है वो बहुत ही मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है, वो लगातार इसको बता रहा है कि ये फैक्ट बता रहा है। तो इस पोस्टर में रिलायंस का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेट फार्मिंग पर तथ्य, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेट फार्मिंग पर अपना तथ्य, अपना पक्ष क्लियर कर रहा है। किसानों से सीधा अनाज नहीं खरीदते। रिलायंस ने फिर से साफ किया कि वो कभी भी डायरेक्ट डीलिंग में किसानों के साथ नहीं है। किसानों से सप्लायर MSP पर ही खरीदारी करेंगे। आगे जो भी खरीदारी रिलायंस के प्रोडक्ट्स के लिए होगी वो सप्लायर्स करेंगे। रिलायंस कंपनी, रिलायंस इंडस्ट्रीज कभी नहीं खरीदेगी। कभी कम कीमत पर खरीद के लिए कोई लंबी अवधि का करार नहीं किया। रिलायंस कह रहा है कि बहुत लंबे टेन्योर के लिए, लंबे पीरियड के लिए उन्होंने कम कीमत पर, जो खाद्यान्न होते हैं उसके कम कीमत पर कोई भी डील किसानों के साथ नहीं की है। इसके साथ एक और उन्होंने नोटिंग में दिया है, किसानों को सशक्त बनाने और उनकी खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध। मतलब रिलायंस जो है किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलें इसके लिए प्रतिबद्ध है, वो चाहता है ऐसा हो। इसके अलावा जो दूसरा पोस्टर है वो है रिलायंस का पक्ष तथ्य। तथ्य यहाँ भी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेट फार्मिंग पर तथ्य। कॉर्पोरेट फार्मिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं। कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेट फार्मिंग में प्रवेश की कोई योजना नहीं, यानी कि हाल में किसी भी तरह की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिलायंस नहीं करता है पंजाब हरियाणा में। इसके अलावा आगे भी उसका इस बिजनेस में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए कभी एग्रीकल्चर लैंड नहीं खरीदा। ये जो सबसे ज़्यादा बड़ा डर है किसानों के बीच में कि जो नए कृषि कानून आए हैं तीन, उसमें जो तीसरा कानून है कॉर्पोरेट फार्मिंग का, उसमें किसानों को ये संदेह है कि रिलायंस जैसी बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े बिजनेस जाइंट्स इस बिजनेस में आ जाएंगे और पहले किसानों का शोषण करेंगे फिर उनकी ज़मीन हथिया लेंगे। लेकिन ये यहाँ पर रिलायंस क्लियर कर रहा है कि उसका इस तरह का कोई आने का इंटरेस्ट नहीं है। इसके अलावा, रिलायंस के अलावा पहले गौतम अडानी कंपनी, अडानी ग्रुप भी ये क्लियर कर चुका है कि वो एग्रीकल्चर लैंड को खरीदने में किसी भी तरह का इंटरेस्ट नहीं रखता है, ना उसने खरीदा है। दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर जो बात चल रही है, पहले अडानी के लिए चली थी फिर अंबानी के लिए चल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा जो नुकसान हो रहा है वो इतने बड़े बिजनेस को ही हो रहा है। पहले रिलायंस जियो के जो नंबर्स थे उनको पोर्ट कराने की मुहिम चलाई गई पंजाब हरियाणा में, उसके बाद जियो के टावर्स को नुकसान पहुँचाया गया। करीब 1500 जियो टावर्स को नुकसान पहुंचाया गया, उन्हें क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कहीं पर उसके तार काट दिए गए, कहीं उनकी सप्लाई रोक दी गई जो बिजली की सप्लाई होती है। इसके बाद वहां के जो एम्प्लॉयज़ हैं रिलायंस जियो के, उनको नुकसान होने लगा, साथ ही जो कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान होने लगा। इसको देखते हुए ही जो रिलायंस जियो ने अमरिंदर सिंह जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनको पत्र लिखा था, साथ ही DGP ऑफ पंजाब उनको भी पत्र लिखा था कि वो इस मामले को देखें। इसके बाद परसों यानी कि 4 जनवरी को रिलायंस जियो ने एक सफाई दी, उसमें साफ कहा कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से कोई लेना देना नहीं है, आगे हम इस तरह के बिजनेस में नहीं आने वाले हैं। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करी। उनका कहना है कि सरकार इस मामले में इंटरवेंशन करे और जिस तरह से उसके प्रोडक्ट्स को नुकसान हो रहा है उसको सरकार देखे, क्योंकि जो नुकसान हो रहा है वो बहुत बड़े स्तर पर हो रहा है। 40-42 दिनों से जो किसान आंदोलन हो रहा है इसमें जो सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो दो उद्योगपतियों को हुआ है, गौतम अडानी और मुकेश अंबानी। किसानों को ये बात लगातार लगती है कि गौतम अडानी, मुकेश अंबानी जैसे बड़े ग्रुप्स, बड़े बिजनेसमैन इस तरह के बिजनेस में आएंगे जिसमें खाद्यान्नों की डील होती है और उसके बाद पहले उनकी ज़मीन पर करार किया जाएगा और फिर ज़मीन हथिया ली जाएगी। पहले गौतम अडानी ने इस बात की सफाई दी थी कि वो इस तरह के किसी भी बिजनेस में आगे नहीं आना चाहता है। अभी जो वो बिजनेस करता है वो आज से नहीं 15 साल से कर रहा है और ये जो बिजनेस है वो खाद्यान्न के
रखने को लेके है, उसके रखरखाव को लेकर है, उसकी खरीद को या फिर उसके एमएसपी को डिसाइडेशन में नहीं है। अब रिलायंस जियो में भारी नुकसान के बाद रिलायंस की तरफ से सफाई आई और अब ये इस तरह के पोस्टर्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें अपनी सफाई, अपना पक्ष रखा जा रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बिजनेस में नहीं आने वाले हैं। दरअसल जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है वो इस तरह की फार्मिंग है जिसमें किसान के साथ पहले ही डील हो जाती है, जब फसल लगाई जाती है तो बीज लगाने के साथ ही डील हो जाती है कि फसल का रेट क्या दिया जाएगा। ये ज़्यादातर डील बड़े व्यवसायी, बड़ी कंपनियां करते हैं। किसानों को लगता है कि नए कृषि कानून में सरकार ये चाहती है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा मिले, तो ऐसे बढ़ावे में बड़े बिजनेसमैन को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप और मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज इस बात का साफ कर चुकी हैं कि वो ना इस बिजनेस में हैं ना आगे आने का इंटरेस्ट रखती हैं।